अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लाडो इधर पड़ी है जी, लाडो को नहलाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ना जो चिचड़ होते हैं ना वो जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए मैंने अभी देखा है। तो लाडो को आज नहलाएंगे, लेकिन नहलाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने जाऊंगा कटिंग वगैरह करवाने के लिए। जा? कटिंग करवाएंगे तो फिर आके लाडो को नहलाएंगे, और जो बाकी घर के काम है जो डेरे के वो फिर करके आपको दिखाएंगे साथ। तो पहले मैं अपनी कटिंग करवा लूं तो फिर जो ना लाडो को देखेंगे। इतनी शदीद गर्मी में दोस्तों ये जो वाला काम है ना ये बहुत मुश्किल है। इसके साथ जो गाड़ी है या बाइक है, रास्ते में जब अगर जाते हुए ये टायर पंचर हो जाए सबसे मुश्किल काम है। आप लोगों में से किस किस के साथ ये ऐसा होता है कि जब भी आप निकलते हैं कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। कटिंग करवाने जाना है, जाना गाँव में ही है, जाके पता नहीं क्या बनता है। अभी इधर पहुंचे हैं दोस्तों, लेकिन जिससे मैं कटवाता हूँ बाल वगैरह, खत वगैरह करवाता हूँ, लेकिन अभी पता चला कि वो कहीं गया हुआ, कराची गया हुआ शायद। तो एक हफ्ता हो गया अभी नहीं आया, हफ्ते बाद ही आएगा वो। लाइट चलेगी, लाइट हूँ आएगी। मैंने शक किया कि चार हो गए, दो बजे शायद आ गए। आओ ऊपर प्यास ले लिया, खाने में कुछ नहीं करना रहता ना, अरे कुछ नहीं। बाहर नहीं निकल दे, एदा भाई भी पहुंच गया कल, परसों ने पाया से वो भी पहुंच गया थे, उन्होंने उतार लिया सब बस दो। वो रात आप पाया से ना 8 बजे 7 बजे, सुबह 6 बजे पहुँचे से, रात सारी सफ़र किया उन्हें। बस उस ऊपर ऊपर जिते आ गया ना उतने ला दे, मर जाएगा थोड़ी देर ना, अगर इन्हू ना चटन नहीं, ये दवाई पाई है। चल बस ठीक है, पता नहीं यद जिथे बनी दी उत्थे तां इहदे चिचड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह तो शायद आवे ना किन्ने। चल बस थोड़ा थोड़ा हाथ मार दे, इहदे विच हुंदा स्प्रे हुंदी पाउडर जिहा, इहदे विच सारे मर जांदे आ। बस ठीक है, बट ढक्कन बंद कर, ठंडे बहुत। ओहो, बस ठीक ठीक ला दे थले, जिथे जिथे लगता ला दे, कन्ना ते ला दे।